नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप 10 न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति व पीएम मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर दी बधाई, कहा मानवता की भलाई के लिए प्रेरित करे ये त्योहार। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने भी ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर दी बधाई, कहा यह त्योहार भाईचारे के बंधन को मजबूत करे और सभी के लिए शांति, खुशी और आनंद लाए। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1.28 लाख के पार, 42 लोगों की मौत। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए नेताओं की बैठक आज, पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। एलजी मनोज सिन्हा ने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनकी खुशी, स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश, बोले जल्द बहाल होगी अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ गुफा के पास फंसे 15,000 श्रद्धालु निकाले गए, बाढ़ से आई तबाही में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हुई। ईद के अवसर पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने मिठाइयों का किया आदान प्रदान। बचाव कार्य में चुनौतियां बढ़ा सकती हैं सूरज की तपिश, सीआरपीएफ अधिकारियों ने जताई आशंका। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के लिए यातायात सुचारू रूप से जारी। डोडा के ठाठरी में बादल फटा, वाहन दबे, दुकानों और घरों में पानी भरा। अंत में खेल समाचार, रोहित शर्मा T20I में 300 चौके लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।